हिमाचल प्रदेश में करीब सभी जिलों में बरसात सामान्य से कम चल रही है। इस बार मानसून में बारिश लगभग 41% से नीचे दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 से 24 जुलाई के बीच प्रदेश भर में बारिश होने का अनुमान जताया है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर में मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा धर्मशाला में काफी बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा से जानिए मौसम का हाल विस्तार से। बीते 24 घंटों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, ऊना है, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है और धर्मशाला में वेरी हैवी बारिश रिपोर्ट की गई पिछले 24 घंटों में, जिसमें 14 सेंटीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो देखिए आज 18 तारीख से लेकर अगले 24 तारीख तक प्रदेश के जो अधिकांश स्थान है वहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा है, कांगड़ा है, आपका मंडी है, सोलन, शिमला, सिरमौर है, इवन बिलासपुर, तो यहाँ पे देखिए इसी दौरान ये जो स्पेल है हमारा 18 से लेकर 24 तक, तो एक दो स्थानों में भारी बारिश हो सकती है और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। इसके अलावा अगर देखिए पहले अगर तापमानों की बात करें तो हमारे जो दिन के तापमान है, मैक्सिमम टेम्परेचर, और जो न्यूनतम तापमान है, पूरे प्रदेश में ही सामान्य चल रहे हैं। और देखिए अगर आंकड़ों की बात करें तो अगर सीज़न वाइज बात करें तो देखिए अभी पूरे प्रदेश में ही जो बारिश है सामान्य से 41% कम चल रही है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बारिश उन सब में मतलब बारिश सामान्य से कम है। हालांकि अगर जुलाई माह की बात करें एज ऑन डेट तो उसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सामान्य के आसपास है, जिसमें कांगड़ा और मंडी है, जहाँ मतलब सामान्य के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई। से जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जुलाई माह में भी सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। देखिए आज से जो वेदर एक्टिविटी है, मतलब जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, इनमें मतलब कई स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और ये जो स्पेल है आगामी देखिए 5 से 6 दिन तक जारी रहने की संभावना है पूरे प्रदेश में। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।